छिपा हुआ धन। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, मगर दोनों ही निकम्मे और कामचोर थे। किसान चाहता था कि उसके पुत्र भी उसके परिश्रमी जीवन को अनुसरण करें, मगर किसान के समझाने का उन पर कोई असर नहीं होता था। इस कारण मन ही मन किसान बेहद दुखी रहता था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, सुनो मेरे बेटों, मेरी जीवन लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है, मगर मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। हमारे खेतों में अपार धन गड़ा हुआ है। तुम मेरी मृत्यु के बाद उस खेत को खूब गहरा खोदना। उसके बाद तुम्हें वहां से बहुत सा धन प्राप्त होगा। यह सुनकर किसान के बेटे बेहद प्रसन्न हुए कि बाप के मरने के बाद भी कुछ नहीं करना होगा और बाकी की जिंदगी मजे से काटेंगे। कुछ दिनों पश्चात किसान की मृत्यु हो गई। पिता के मरते ही उसके दोनों पुत्र कुदाल और फावड़े लेकर खेत खोदने में जुट गए, परंतु कई दिनों तक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें गड़ा हुआ धन प्राप्त नहीं हुआ। अंततः वह निराश हो गए। मगर अब क्या किया जाए? वह थके हारे घर आ गए। पड़ोस में रहने वाले हरदयाल जी ने उन्हें देखा। उन्होंने उनसे निराशा का कारण पूछा। तभी किसान के बेटे ने उन्हें कहा कि हमारे पिताजी ने मरते समय हमें कहा था कि उन्होंने खेत में बहुत सारा धन गाड़ के रखा है, किंतु वह किस स्थान पर रखा है वह उन्होंने नहीं बताया। हमने सारा खेत खोद लिया किंतु हमें धन नहीं मिला, जिसकी हमें बेहद जरूरत है। हरदयाल जी ने उन्हें सलाह दी कि वैसे ही खेत तो खोद दिया है और अभी बारिश भी होगी, तो क्यों ना तुम दोनों मिलके खेत में गेहूं बो दो। किसान के दोनों बेटों को हरदयाल जी की बात सही लगी। उन्होंने अगले दिन जाके खेत में गेहूं बोए। खेत की गहरी खुदाई हुई थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई तथा किसान के बेटों को आशा से अधिक धन प्राप्त हुआ। अब किसान के पुत्रों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके पिता के कहने का अर्थ क्या था। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने पिता को बुरा भला कहा। सच तो यही था कि वे हमें परिश्रमी बनाना चाहते थे। उसी दिन दोनों भाइयों ने परिश्रम करने का संकल्प लिया, क्योंकि परिश्रम से जो धन उन्हें प्राप्त हुआ था उससे उन्हें अपार खुशी हो रही थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य व्यक्ति को निकम्मा बना देता है। एक और एक 11। टिटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टिटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टिटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टिटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टिटू उन्हें समझाने लगी। टिटू के बच्चे मिंटू ने कहा, माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है? हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। ये सुनकर चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली,
हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी ये सब सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वो उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो ये पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को ये पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चले जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जीत पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से ये तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वो बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वो जोर जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वो पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टिटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ की समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि एक और एक ग्यारह होते हैं। एक और एक ग्यारह होते हैं मतलब एकता में शक्ति होती है। हाथी और छह अंधे। एक गांव में छह अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है। दूसरे ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ी हुई थी। उसने कहा, नहीं मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। अब जब तीन बोल चुके थे तो चौथा कैसे चुप रहता। उसके हाथ में हाथी के कान थे।
उसने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। तभी वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वो रुका, उनसे पूछा, क्या बात है, तुम आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर हाथी देखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी बातें शांति के साथ सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग अंग छुए, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ, सभी खुश हो गए। हंस और मूर्ख कछुआ। एक बार की बात है, एक कछुआ और दो हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी ले आओ, मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नजरें हंसों और कछुए पर पड़ी। वे उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, देखो देखो, ये हंस कितने चतुर है, वे अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया, वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उसके मन में आया था और वो बोल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो सीधे धरती पर आकर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया होता तो वो भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। इससे हमने क्या सीख ली? अहंकार को छोड़े बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसी संगत वैसी रंगत। एक कलाकार रात दिन काम में लगा रहता था। एक दिन उसने सोचा, ऐसा चित्र बनाया जाए जिसे देखने से लोग समझ जाए कि ये सुंदर बालक बहुत ही सरल और भोला भाला है। कलाकार को ऐसा बालक मिल गया और वो उसी का चित्र बनाने लगा। रात दिन के कठोर परिश्रम से चित्र में वो उन भावों को लाने में सफल हो गया जिन्हें वो दिखाना चाहता था। चित्र इतना सुंदर बना कि लोग उसे देखते ही रह जाते। छपने के बाद चित्र के हजारों प्रतियां बिकी। कलाकार उस एक ही चित्र से धनवान बन गया और आराम से रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन कलाकार के मन में इच्छा जागी कि वो एक दुष्ट आदमी का चित्र बनाए, देखे कि लोगों पर उसका क्या असर पड़ता है। उस चित्र में दुष्ट स्वभाव को उभारना होगा। उसने सोचा कि इसके लिए किसी दुष्ट व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। वो ऐसे आदमी को जगह जगह ढूंढने लगा। घूमते घूमते वो जेल के सामने पहुंच गया। उसे लगा कि यहां उसे ऐसा आदमी मिल जाएगा। जेल के एक कैदी के पास जाकर बोला, मैं एक चित्रकार हूं,
आज तक मैंने कई सुंदर चित्र बनाए हैं। मैं तुम्हारा भी एक चित्र बनाना चाहता हूँ। ये देखो मेरे चित्र। चित्रों को देखकर कैदी की आंखों से आंसू बहने लगे। कलाकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या बात है भाई, तुम चित्र देखकर इतने दुखी क्यों हो गए? कैदी बोला, आपने जो चित्र दिखाए हैं उनमें से बालक वाला चित्र मेरा ही है। कलाकार को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, फिर इस हालत में तुम कैसे पहुंचे? कैदी बोला, बचपन में ऐसा ही था, पर उसके बाद मैं लगातार कुसंग में पड़ता गया। जो मेरी हालत हुई वो आप देख ही रहे हैं। कलाकार अपने चित्र में कुसंग के परिणामों को ही उभारना चाहता था, ताकि लोग देख और समझ सके कि बुरी संगत से क्या हानि होती है। बच्चों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। इसलिए आपको हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपनी संगत बनाए रखना चाहिए। निर्मला और ब्राह्मण की पत्नी। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक पालतू निर्मला था जो उनके साथ ही रहता था। एक दिन जब ब्राह्मण काम पर था, उसकी पत्नी ने बच्चे को पालने में छोड़ दिया और पानी लाने के लिए चली गई। जब तक वह बाहर गई, उसने नेवले को बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, नेवले के मुंह पर लगा खून देखकर वह डर गई और उसने सोचा कि नेवले ने बच्चे को मार दिया है। बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से महिला ने नेवले पर पानी के बर्तन को गिरा दिया और एक छड़ी से उसे मार दिया। बाद में वह अंदर गई और देखा कि बच्चा खुशी से पालने में खेल रहा है और पालने के पास ही मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। इससे उसे हकीकत का एहसास हुआ और बिना सोचे समझे किए अपने कर्म के लिए उसे पश्चाताप हुआ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। एक नन्ही मैना अपने घोंसले में लौटते समय अंधेरा हो जाने के कारण रास्ता भटक गई और एक पेड़ पर बैठ गई। वह जिस पेड़ पर बैठी थी, उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वे सब चिल्लाने लगे, काव काव काव, हमारे पेड़ से भागो, हमारे पेड़ से भागो। मैना ने उनसे विनती की, बारिश होने वाली है, मुझे थोड़ी देर यही रुक जाने दो। लेकिन कौवों ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार मैना उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गई। वो जिस पेड़ पर बैठी थी, उसी के नीचे एक खाली गड्ढा मिल गया, जिसमें वो आराम से बैठ गई। कुछ ही देर में भारी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कई कौवे घायल हो गए और कई तो मर भी गए। जब बारिश थमी तो मैना बाहर निकली और अपने घर की तरफ उड़ चली। एक कौवे ने उसे पूछा, अरे तुम्हें चोट नहीं लगी? दूसरों पर दया करने वालों की ईश्वर सहायता करता है, और तुम्हारे जैसे घमंडियों को कष्ट सहने के लिए छोड़ देता है, मैना ने जवाब दिया। एक बड़े और गहरे समुद्र में बहुत सी मछलियां थी। उसमें बहुत सारी छोटी और बड़ी मछलियां थी। वह बड़ी मजे से एक साथ रहती थी। उसमें एक मीनू नाम की छोटी मछली थी।
मीनू बहुत प्यारी और समझदार थी। सभी मछलियों से उसका बर्ताव अच्छा था। सभी मछलियां भी उसका कहना मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। मीनू की एक और दोस्त थी, बड़ी और ताकतवर मछली। उसका नाम रानी था। रानी ताकतवर होने से थोड़ी घमंडी थी। घमंडी और ताकतवर होने से बाकी की मछलियां उससे डरकर दूर ही रहती थी। एक दिन सब मछलियां पानी में खेल रही थी, तभी मीनू सबको बोली, हमें ऐसे ही एक साथ रहना चाहिए। उस पर रानी बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं ताकतवर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मीनू बोली, ठीक है, तुम्हें कभी ना कभी एकता की ताकत जरूर समझ आ जाएगी। कुछ ही दिनों में समुन्द्र में कुछ मछुआरों ने जाल डाला, उसमें बहुत सारी मछलियां फंस गई और फंसी हुई मछलियों में रानी मछली भी थी, लेकिन जाल के बाहर मीनू थी। जाल की अंदर की मछलियां डर गई। अब क्या करें? रानी भी डर गई। उसने बहुत ताकत लगाई पर जाल जरा भी नहीं हिला। मीनू बाहर से सब देख रही थी। तभी मीनू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, सभी मछलियां एक हो जाओ और जाल को नीचे की ओर धकेल दो ताकि जाल की रस्सी टूट जाएगी। सब मछलियों ने मीनू की बात मान ली और जाल को नीचे की तरफ धकेल दिया। सब मछलियों की एकता, वजन और ताकत से वह जाल और रस्सी टूट गई और सारी मछलियां बच गई। उन्होंने मीनू को बहुत सी दुआ दी और इसी तरह रानी को एकता की ताकत का एहसास भी हो गया। उसने सब मछलियों की माफी मांग ली और मीनू ने उसे गले लगा लिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, आपने देखा कि एकता में कितनी ताकत होती है। यदि हम एकता से रहेंगे तो बड़ी बड़ी सी मुश्किलें भी आसानी से पार हो सकती है। घमंडी बारह सिंगा। एक बारह सिंगा था। वह अक्सर एक तालाब के पास जाया करता था और पानी में अपनी परछाई देखकर अपने आप से ही कहता था, मेरे सिंह कितने सुंदर है, काश मेरे पैर भी इतने सुंदर होते। एक दिन शेर ने उसका पीछा किया। बारह सिंगा घने जंगल की ओर भागा। भागते भागते उसके सिंह एक घनी झाड़ी में फंस गए। उसे लगा उसकी मौत अब पास आ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपने सिंगों को कोसने लगा। आखिरकार उसने अपने मजबूत पैरों की सहायता से अपने आप को झाड़ी से मुक्त करा लिया। इसके बाद वह अपने मजबूत पैरों से उछलता कूदता जंगल में भाग गया और शेर से बचने में सफल भी हो गया। बारह सिंगा ने अपने कुरूप पैरों को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि उसके सुंदर सिंगों की वजह से ही तो उसकी जान ही जाने वाली थी। वह सोचने लगा, उसे संकट से बचने के लिए सिंगों के बजाय अपने पैरों की अधिक आवश्यकता है। उसके बाद उसने अपने पैरों को कभी कुरूप नहीं माना। एक और एक ग्यारह। टिटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टिटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टिटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टिटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए,
टीटू उन्हें समझाने लगी। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं, जबकि पेड़ हमारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है? हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। ये सुनकर चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी ये सब सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वो उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो ये पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को ये पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चले जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जीत पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से ये तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वो बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया, वो जोर जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वो पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ की समझाने की जरूरत नहीं थी, वे जान गए कि एक और एक ग्यारह होते हैं। एक और एक ग्यारह होते हैं मतलब एकता में शक्ति होती है।
मैं आज विद्यालय से जोसेफ के घर गया था अपनी इतिहास की कापी लाने। वाह क्या घर था, चमचमाता फर्श, मखमली कालीन, चमकता हुआ रेशमी सोफा, दो दो कारे, ड्राइवर, तभी तो जोसेफ इतना रोब जमाता है। घर लौटने पर भी मेरा दिमाग जोसेफ का रोब जमाना ही नहीं भूल रहा था। घर आते ही सबसे पहले लच्छू पर चिल्लाया, सुनता नहीं, जल्दी इधर आ, चल ये ले मेरा बैग, फटाफट काम कर। सलीम, अम्मा जी की आवाज इतनी कड़क थी कि मेरी समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। अम्मा जी ने लच्छू को चाय बनाने भेज दिया और बोली, सलीम आज से एक हफ्ते तक लच्छू तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, ये तुम्हारे गलत तौर तरीकों की सजा है। जो अपना काम खुद नहीं कर सकता उसे दूसरे पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन लच्छू को तो रखा ही गया है काम करने को, मैं भुनभुनाया। अम्मा जी तुरंत बोली, बस बस, दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा समझने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता सलीम। लच्छू नौकर नहीं है, मैं नौकरी करती हूँ और सारा काम अकेले नहीं संभाल पाती, इसलिए उसे मदद के लिए रखा है। लेकिन अम्मा जी मैं अभी भी झुंझलाया था। अम्मा जी बोली, और सलीम तुम्हें पता है जब तुमने लच्छू को बुलाया तब वो पढ़ रहा था। मैंने हैरानी से कहा, लच्छू क्या पढ़ेगा, काला अक्षर भैंस बराबर। अम्मा जी बोली, वो अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करके कोई भी काम सीख सकता है, ये उसके लिए कहीं ज्यादा उपयोगी होगा। अम्मा जी चाय, लच्छू चाय की ट्रे लिए खुशी खुशी अम्मा जी के पास खड़ा था। मैंने देखा उस लड़के का चेहरा अम्मा जी की बातें सुनकर उत्साह से कैसा चमक रहा था, जैसे जोसेफ का सोफा। धत तेरे की, अब जोसेफ के सोफे से अपनी अकल गुम नहीं होने दूंगा। गुस्सेल मुंशी जी। एक थे मुंशी जी, पढ़ाने में बड़े मेहनती, बड़े होशियार, लेकिन बला के तुनुक मिजाज और सनकी। करना खुदा का कुछ ऐसा हुआ कि मुंशी जी की बीवी मर गई। खुद उस वक्त विद्यालय में थे। किसी ने जाकर खबर दी तो बेंत हाथ में लिए लपके घर की ओर। घर का आंगन आस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। मुंशी जी का इकलौता लड़का मां की लाश के पास गुमसुम बैठा था, लेकिन लड़की मां के गले लिपट लिपट कर बुक्का फाड़ कर रो रही थी। मुंशी जी भीड़ को चीरते हुए जैसे ही भीतर की ओर बढ़े, लड़की उन्हें देखकर और जोर से रोने लगी। अब उसके मुंह से बोल भी फूट रहे थे। हे भगवान, तूने ये क्या किया, मेरी माँ को अपने पास बुलाकर तूने तो हमारे घर का चिराग ही गुल कर दिया। मुंशी जी के कान में ज्यों ही ये शब्द पड़े कि उनकी बेंत हवा में लहराई और सड़ासड़ लड़की की पीठ पर पड़ने लगी। लोग हैरान रह गए, क्या मुंशी जी पागल हो गए हैं। दो एक ने आगे बढ़कर मुंशी जी का हाथ पकड़ा और बेत छीन कर दूर फेंक दी। एक बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी संभालते हुए मुंशी जी से जवाब तलब किया, मियां होश में तो हो, भगवान का तो कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा बेचारी बच्ची पर उतार रहे हो, क्या कसूर किया है इस बेचारी ने। इस पर मुंशी जी बोले, कसूर पूछते हो इस नामुराद का, मुझे बीवी के मरने का गम नहीं, अफसोस इस बात का है कि ये कमबख्त मुंशी जी की लड़की होकर
मुहावरे से गलत रो रही है। मुहावरे से गलत रो रही है। बुजुर्ग चौंके। लोग हैरान हुए, क्या मतलब मुंशी जी, दिमाग तो ठीक है आपका? जी हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूं। ये बदनसीब मुहावरे से गलत रो रही है, कहती है घर का चिराग ही गुल कर दिया। अरे ये मुहावरा तो घर के इकलौते बेटे के मरने पर कहा जाता है। बेटा घर का चिराग होता है ना। जनाब मेरा बेटा तो सही सलामत आपके सामने बैठा है, फिर घर का चिराग गुल कैसे हुआ? माँ के मरने पर लड़की मुहावरे से गलत रोई और मुंशी जी ने उसकी खूब धुलाई की। ये बात शाम तक पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबाता और मुंशी जी को जली कटी सुनाता कि भाड़ में जाए मुंशी जी और आग लगे उनके मुहावरों को। फूल सी नाजुक लड़की को बिना बात धुन कर रख दिया, ये भी कोई बात हुई? नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ दिनों मुंशी जी का गली मोहल्ले में निकलना मुहाल हो गया। बेचारे कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। एक तो बीवी के मरने का गम, दूसरे दोनों बच्चों की माँ की याद में रोई रोई सुरतें, जिन्हें देखकर बेचारे मुंशी जी का कलेजा मुंह को आ जाता, आंखें भर भर आती। खैर एक हफ्ते बाद किसी तरह विद्यालय पहुंचे और थके थके कदमों से भारी मन लिए क्लास में दाखिल हुए। काहे का घंटा है? मुंशी जी ने पूछा। भाषा का, मॉनिटर ने बताया। क्या पढ़ाना है? जी आपने पिछली बार कहा था कि अगली बार मुहावरे पढ़ाऊंगा। सुनकर मुंशी जी के प्राण सूख गए। हे भगवान, मुहावरे ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा, कमबख्त क्या मेरी जान लेकर रहेगा। तभी बराबर के क्लास में जोर का हुल्लड़ मचा। मुंशी जी ने मॉनिटर को भेजा कि क्या बात है, पता लगाओ। उसने आकर बताया कि क्लास में पंडित जी नहीं है और लड़कों ने आसमान अपने सिर पर उठा रखा है। क्या कहा, जरा फिर से तो कहना। मुंशी जी की त्योरियों पर बल पड़ गए। जी, क्लास में पंडित जी नहीं है और लड़कों ने आसमान अपने सिर पर उठा रखा है, मॉनिटर ने सहमते हुए दोहराया। अरे नालायक, मुंशी जी गरजे, आसमान भी क्या कोई तख्त है जो लड़के अपने सिर पर उठा लेंगे? बेवकूफ, अपनी तरफ से अपने जोड़कर तूने सही मुहावरे की ऐसी तैसी कर दी। अब इसका मतलब शोर मचाना नहीं रहा। याद रखो, मुहावरे में अपनी तरफ से कोई भी ठूस ठास करना, उसके शब्दों में जरा भी हेर फेर करना असली मुहावरे की हत्या कर देना है। अब क्या सांप सूंघ गया की जगह नाक सूंघ गया कहोगे? दम नाक में ही आएगा, आंख में नहीं। आगे उनसे कुछ नहीं बोला गया। भारी मन से उठे, छड़ी संभाली और क्लास छोड़कर घर चले गए। क्रोध ऐसा श्राप होता है जो मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियो। सहायता। बात उस समय की है जब मैं विद्यालय में पढ़ती थी। घर और विद्यालय के बीच में एक चढ़ान वाला रास्ता पड़ता था।
पड़ोस की रेखा और सुमन भी मेरे ही साथ विद्यालय पैदल जाया करती थी। आज भी हम पैदल ही आए थे। विद्यालय की घंटी बजते ही हम प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए। पढ़ते, खेलते, गीत गाते, चित्र बनाते और कुछ प्रयोग करते हुए विद्यालय का समय बीत गया। छुट्टी की घंटी बजी। मैं, रेखा और सुमन बाहर आ गए। आज धूप बहुत तेज थी। हम घर की ओर जल्दी से चल दिए। चढ़ान वाले रास्ते के पास पहुंचते पहुंचते हम पसीने से तर बतर हो गए थे। अब चढ़ाई थी और वो भी किताबों से भरे बस्ते के साथ। इतने में देखती हूँ कि सामान से लदा एक रिक्शा धीरे धीरे रेंग रहा है। ये लग रहा था कि रिक्शा उल्टी दिशा में ही ढर से सरक जाएगा। उत्सुकता में आगे झांक कर देखा तो झुर्रियों से भरा एक चेहरा मुझे दिखाई दिया। वो व्यक्ति झुककर दोहरा हुआ जा रहा था। वो पसीने से तर बतर हाफता हुआ रिक्शा खींचने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा यदि मैं बड़ी होती तो इसका रिक्शा खींचकर ढलान तक तो पहुंचा ही देती। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तभी मेरे मन ने कहा, किसी को सुख पहुंचाना गलत नहीं हो सकता। सुमन और रेखा तेजी से आगे निकल गई थी। मैं चुपके चुपके रिक्शे के पीछे पहुंची और धीरे से रिक्शे पर हाथ रखकर ढकेलना शुरू किया। रिक्शा वाले को लगा कि रिक्शा हल्का क्यों चलने लगा, क्या कुछ सामान गिर गया। रिक्शा वाले ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो बोला, बेटी तुम्हें कामयाबी मिले। मैंने कहा, बाबा आपके आशीर्वाद ने मुझे अमीर बना दिया हमेशा के लिए। चढ़ान वाला रास्ता पार करके बाबा दाहिनी ओर मुड़ गए। मैं अपने घर की ओर चलते चलते सोच रही थी, मुझे दो हाथ मिले हैं, मैं लोगों के चेहरों में खुशी भरने समर्थ हूं। माँ द्वार पर ही खड़ी थी। सुमन और रेखा घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने माँ को सब कुछ बता दिया था। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। रहस्य। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वो हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। चह जसपतश वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये कपोल कल्पना है। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, ये बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का।
आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया, फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गेंद के भी ये तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का ये अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वो लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रहीं। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ ना जाए, उनका रहस्य ना खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए।
उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। शकुन अपशकुन शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्रों के साथ आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वो कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुक गई। वो कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में तीन छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती हैं, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा,
चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वो कठपुतली फिर से छींकी, आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरे किशन दास की यहाँ शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींको ने जब होड़ बचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से ये अंधश्रद्धा भगाई। भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूंगा, हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वो भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में
दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थीं। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। बड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वो दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी मां अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे दो तीन रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया।
खेत में नन्ने नन्ने अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम ये भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. मेहनत का फल। दो दोस्त थे, संजय और मनोज। दोनों बेरोजगार थे। उन्होंने अपने परिचित गुरुजी से अपनी परेशानी बताई और कहा, गुरुजी हमें कुछ रुपए दीजिए जिससे हम कुछ काम धंधा शुरू कर सके। गुरुजी ने दोनों दोस्तों को एक एक 1,000 रुपए दिए। साथ ही ये कहा कि 1 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली। फिर वे रुपए लेकर चल पड़े। रास्ते में संजय ने कहा, हमें इन रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। पर मनोज ने कहा, नहीं, अब हम कुछ दिन अच्छे स्थानों पर घूमने जाएंगे, मौज करेंगे। 1 साल बीत जाने के बाद दोनों दोस्त गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने पहले मनोज से पूछा, तुमने रुपयों का क्या किया? क्या लौटाने के लिए रकम लाए हो? मनोज ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, गुरुजी, किसी ने धोखा देकर वे रुपए ठग लिए। फिर उन्होंने संजय से पूछा, तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ये लीजिए आपके 1,000 रुपए और अतिरिक्त 1,000 रुपए। गुरुजी ने पूछा, तुम इतने रुपए कैसे कमा लाए? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? जी नहीं, संजय बोला, मैंने तो अपनी सूझबूझ और मेहनत से ये रुपए कमाए हैं। एक किसान को परेशान देखकर मैंने उसके सारे फल खरीद लिए, फिर उन्हें शहर में जाकर बेच दिया। इसके बाद वो प्रतिदिन मुझे फल लाकर देता और मैं उन्हें बेच देता। कुछ दिनों के बाद मैंने शहर में दुकान ले ली और फलों का कारोबार शुरू किया। इतना कहकर उसने गुरुजी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और अतिरिक्त रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया। गुरुजी संजय से बहुत खुश हुए। उन्होंने मनोज से कहा, अगर तुम भी समझदारी तथा मेहनत से काम करते तो सफल हो सकते थे। संजय ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय का सम्मान करो और श्रम का महत्व समझो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।